रुक 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 रुक, पैसे निकाल, चल 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 साला, जल्दी से जल्दी कर, भाग भाग भाग, ले चल बन, बैठ गाड़ी में, बैठ बैठ। जब ना वादा अगर वफा होगा, अब वो ठीक भी करने, प्लीज माफ कर देंगे। देखें क्या हो गया, मर्द माफी मांगता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिमा, आपसे माफी मांगना तो क्या, आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्या हो गया अली, बोलने से पहले जरा सोच लिया करो क्या बोल रहे हो, मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें। अरे क्या कह रही हैं आप, इतना जीकर क्या करना है मैंने भाई। जिस तरह माँ के लिए औलाद की खुशी और जिंदगी अहम होती है ना, इसी तरह तुम सारा को रख रखाव से चलना सिखाओ। वो जिस माहौल से आई है ना, शायद वहां पर इन बातों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती हो। मां बेफिक्र रहे, मैं समझा दूंगा सर। अब परसों बुलाया मैंने फाकिर की अम्मी को और मैं चाहती हूँ कि सारे इंतजाम सारा देखे। हाँ तो मां सारा सारे इंतजाम देख लेगी, आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा सर। हाँ कोई मसला हो तो नगीन से मशवरा कर लेना, मैं पूछ लूँगी भाभी से और सारे इंतजाम भी हो जाएंगे। लेकिन हानिया का क्या, उसे भी तो कॉन्फिडेंस में लेना होगा ना। अरे हानिया, हानिया की फिक्र नहीं करो तुम, उसे मैं समझा लूँगा। बल्कि आओ चलो हानिया से बात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, वहाँ हम बात करके आते हैं। माँ का मूड ठीक किया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा अली, जाके हानिया को देखें, ना तो ठीक से खा पी रही है और ना उसका पढ़ाई में दिल लग रहा है। मैं हानिया के लिए परेशान हो रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारी हानिया के लिए फिक्र और कंसर्न देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। जो मेरे दिल के करीब है, तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है, इतना ख्याल है, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। वो मैं खाने का पूछने आई थी, तुम लोग खाना खा के आए हो क्या? नहीं अम्मी, इसरार तो बहुत कर रही थी लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। आंटी की मजीद नाराजगी नहीं अफोर्ड कर सकती थी ना। आप आंटी से कह दें मैं खाना लगवाती हूँ। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? इंटरव्यू के लिए जाना होता तो वहां जाता जहाँ अली भाई ने कहा था। फिर क्या इरादे हैं तुम्हारे? इरादे तो बहुत नेक है अम्मी, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए और थोड़े से पेट्रोल के पैसे। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। ये तो दुनिया के लिए जवाब है ना, लेकिन अपने बेटे के लिए तो आपके पास लाजमी पैसे होते ही हैं। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मेरा चांस लग जाए मैं आपका सारा उधार वापस कर दूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई कानून का खजाना तुम्हारे हाथ लगने वाला है। सारा उधार उतार दूंगा, जाओ मेरा पर्स लेकर आओ अंदर से। थैंक यू। हमें ये वाला यूज़। जुग जुग जियो अम्मी, एक बार मेरा काम हो जाए ना, ऐश करूंगा, गिराऊंगा गिराऊंगा सबको। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें। हेलो हेलो, हाँ सारा, एक मसला हो गया। क्या हुआ, अम्मी की तबीयत तो ठीक है? अरे अम्मी ठीक है, वो मैं थाने में। क्या, क्यों, कौन से थाने में हो? को बताओ कि नहीं, वो फिर चली जाती। प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलने दे, मुझे उससे बात तो करने दे। देखो बीबी, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो, एसएचओ साहब ने सख्ती से मना किया है। एसएचओ साहब कब आएंगे? भाई तेरी बहन आएगी।
मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता। सज्जू साहब प्लीज मुझे मेरे भाई से बात करने दे। कौन है भाई, है किसकी बात कर रही है? सर वो लड़का जो ले आया है चोरी के केस में, उसी की बहन है ये। हाँ आ जाओ, आओ बैठ के बात करते। अरे आ जाओ भाई, खातवा लिख के दे दो इनको। हाँ तो इसका भाई है वो अंदर है। हाँ सर प्लीज मुझे मेरे भाई शायान से बात करने दे। अरे बीबी थाना है ये, तुम्हारा घर नहीं जहाँ तुम्हारी मर्जी चलती हो, और वैसे भी तुम्हारा भाई तो आती मुजरिम है। अरे देखा, अरे इसका भाई तो वहाँ गाड़ी वालों को कैसे लूट रहा था है। वाह जवाब नहीं, अरे ऐसे मुजरिम पर तो पक्का पर्चा कटता है। अरे जेल में जाके जब सड़ेगा ना तो लग पता जाएगा उसे भी और तुम लोगों को भी। बड़ी यशिया करते फिर तो है ना तुम लोग चोरी के पैसों से। नहीं नहीं सर, हमें तो पता भी नहीं था कि वो इन चक्रों में पड़ा हुआ है। अरे भाई वाह, मासूमों से तो भरी पड़ी है दुनिया है। कमाल है भाई। अरे घर वालों को तो पता ही नहीं होता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सर मेरी बात का यकीन करें, उसने घर में भनक तक नहीं पड़ने दी। अगर हमें मालूम होता तो हम उसे रोकते, उसे समझाते, हम बहुत शरीफ लोग हैं। ऐसे दो चार शरीफ और हो ना तो हो जाएगा बेड़ा गरक। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरे भाई को छोड़ दें। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? अरे छोड़ने के लिए कुछ माल खर्च होता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे कितने पैसे चाहिए होंगे? बस 1,00,000 रुपए दे दो और बदले में ले जाओ अपने भाई को। 1,00,000 रुपए? अरे हाँ भाई, कुछ तो मुट्ठी गरम करनी पड़ेगी ना, वरना लगाती रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर। अरे आप यहाँ? तुम्हें जरा सी भी परवाह है मेरी परेशानी की? घर से बिना बताए तुम चली गई, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा देती तुम? सॉरी टेंशन में ख्याल नहीं रहा, मैं बिजी थी, सॉरी। यार मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए सारा, चाहिए तो बस तुम्हारा थोड़ा सा एतबार कि तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सको। बस इतना भरोसा चाहता हूँ कि तुम मुझ पर कर लो, लेकिन तुम समझती हो तुम अपनी हर परेशानी अकेले झेल सकती हो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन परेशान तो किया ना, सारा दिन यही सोचता रहा कि किधर हो, कहाँ चली गई हो। और माँ वो अलग गुस्सा कर रही थी मुझ पर, जानती हो तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे उनके सामने कि मेरी बीवी कहाँ है, क्यों चली गई है, मैं जानता ही नहीं। शायान का फोन आया था मुझे थाने से, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा 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 प्लीज रोना तो बंद करो, प्लीज रोना बंद करो, मुझे आराम से बताओ क्या हुआ। शायान चोरी करते हुए पकड़ा गया, 1,00,000 रुपए देने हैं थाने में, नहीं दिए तो पर्चा काट देंगे। और अली क्या आप मुझे 1,00,000 रुपए उधार दे सकते हैं? सारा सारा क्या हो गया है तुम्हें? तुम बीवी हो मेरी, पैसे क्या तुम जान भी मांगो तो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। खुदा का वास्ता है तुम्हें, मेरे और अपने दरमियान ये झिझक खत्म करो। चलो गाड़ी में बैठो आराम से रास्ते में बात करते हैं। थैंक यू अली भाई, मुझे यकीन था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे।
तुम क्या ऐसे देख रही हो? अरे मेरा यकीन करो, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की यार। घर चलो शायान, अब घर चल के ही बात होगी। अली मैं कैब में चली जाऊंगी, आप चले जाएं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कैब में जाने की, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे बगैर घर नहीं जा रहा हूँ। तुम भी साथ चलो। अली भाई मेरा यकीन करे, मैंने कोई चोरी। बस कर दो शायान, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं, सारा की वजह से आया। बेहतर होगा खामोशी से गाड़ी में बैठ जाओ। तुम दोनों एक साथ कैसे आए हो? थाने का चक्कर काट के आ रहा है आपका साहबजादा, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा चोरी करते हुए। नहीं 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 अम्मी, ऐसी ऐसी कोई बात भी नहीं है, पुलिस झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम पता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो जरा सा, पुलिस किस तरह की है, वो पैसों के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर आपको मेरे पे यकीन ही ना आ रहा, मैं आपकी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने ऐसा। खबरदार जो आज के बाद तुमने अम्मी की झूठी कसम खाई, बहुत सुन लिया तुम्हारी झूठ, और बात करिए उन पे यकीन अब और नहीं। क्या हो गया तुम्हें सारा? कौन इस तरह जवान भाई पर हाथ उठाता है? तो और क्या करूं अम्मी, क्या करूं मैं? आपको अंदाजा भी है कि इसकी वजह से मुझे अली के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा है? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, कि किन लोगों से वास्ता पड़ गया? मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा गुरूर आज इसने सब मन गया, मेट कर दिया। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी जरूरत के लिए कभी भी अली के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, लेकिन आज इसकी वजह से मुझे उनसे पैसे मांगने पड़े। उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे, लेकिन जो शर्मिंदगी का एहसास मेरे अंदर है उसका क्या करूं मैं? फिर आप कहती है कि मैं इसको मारूं भी ना? इससे जो जिल्लत और रुसवाई का तमाचा हम बहनों के मुंह पे मारा, उसका क्या करूं मैं उसका? तुम्हें मैंने बताया था ना कि शादी की तैयारियों के बीच में किसी ने हमें लूटने की कोशिश की थी, वो कोई और नहीं था, ये हमारा प्यारा भाई, हमारा निगेबान। मुझे इसकी आंखें देख के शक हुआ था, अली ने भी पहचान लिया है तुम्हें। उन्होंने जिन नजरों से मुझे देखा ना, मेरा दिल किया कि जमीन फट जाए और उसमें मैं जिंदा दफन हो जाऊं। शायान क्या कह रही है ये? क्या ये सच कह रही है? मुझे बताओ क्या ये सच बोल रही है? और अगर तुमने माँ की झूठी कसम खाई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मी, सलाम देखो बेटा।